बता दें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में यूपी एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 1 लाख का इनामी अपराधी विनोद कुमार उपाध्याय को गोली लग गई है। कई हथियार बरामद हुए हैं, कार को भी बरामद कर लिया गया है। तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कुख्यात अपराधी है जिसे यहां पर ढेर कर दिया गया है। सुल्तानपुर में एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ की खबर मिल रही है। 1 लाख का इनामी अपराधी विनोद कुमार उपाध्याय जिसे गोली लग गई है। आपको यह भी बता दें कि इसी पर आरोप इससे पहले कई बार लग चुका है। गिरोह बनाकर गोरखपुर समेत कई सारे ऐसे इलाके, कई सारी ऐसी जगह जहां पर कई सारी हत्याओं के साथ साथ और भी जो वारदात है उन्हें अंजाम दिया गया था। ये बड़ी खबर ये है कि 1 लाख का इनामी शार्प शूटर यहां पर मारा गया है, ढेर कर दिया है। सुल्तानपुर में एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ हुई और इसी में ये आपको बता दें कि भागने की कोशिश कर रहा था, फायरिंग जब यहां पर की गई तो जरूर इसे उसी दौरान ढेर कर दिया गया होगा। मौके से एसटीएफ ने पिस्तौल भी बरामद कर ली है। 35 से ज्यादा अलग अलग मामले इससे पहले इस पर बताए गए लेकिन किसी में भी सजा नहीं हो सकी थी और इसी का नतीजा था 1 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा गया था। बहुत बड़ी खबर यह है, सुल्तानपुर में एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी जो अपराधी है वो ढेर हो चुका है। एसटीएफ ने पिस्तौल बरामद कर ली है, गाड़ी को बरामद कर लिया है। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। अमित, इस पर इससे पहले भी कई सारे अपराध है लेकिन सजा किसी में नहीं हो चुकी हो सकी थी, कैसे आखिर आज इसे ढेर किया गया? देखिए, डिप्टी एसपी की टीम जो यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी हैं दीपक कुमार सिंह, उनकी टीम लगातार विनोद उपाध्याय को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उनकी टीम लगातार सर्विलांस कर रही थी और जैसे ही दीपक कुमार सिंह की टीम को मालूम चला कि शार्प शूटर विनोद उपाध्याय जो है सुल्तानपुर इलाके में है और कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, तो ऐसे में तड़के सुबह डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह समेत उनके जो अधिकारी थे वो वहां पर मौके पर पहुंचे। शार्प शूटर विनोद उपाध्याय को चेताया कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन वो सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद उसने विनोद उपाध्याय ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की और फिर जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई है। पास के अस्पताल लेकर जाया गया है उसे और अगर बताएं तो 35 से ज्यादा मुकदमे जो है आरोपी विनोद उपाध्याय पर था। उसके जो बरामदगी हुई है, चाइनीज पिस्तौल बरामदगी हुई है मुठभेड़ के बाद जिससे उसने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग किया था, कारतूस बरामद हुआ है, एक स्विफ्ट डिजायर कार हुआ था बरामद हुआ जिससे विनोद उपाध्याय सुल्तानपुर पहुंचा था और इसी से भागने के फिराक में भी था, और एक पिस्तौल 30 बोर की चाइनीज कंपनी मेड स्पेन, उसके अलावा कंपनी मेड स्पेंडर 9mm फैक्ट्री मेड एवं जिंदा कारतूस और खोखा उसके स्विफ्ट कार से बरामद हुआ है। तो एक बड़ी कामयाबी है यूपीएसटीएफ के लिए और दीपक कुमार जो कि डीपीएसपी हैं एसटीएफ हैं उनकी टीम के लिए एक बड़ी कामयाबी है। तो जाहिर तौर पर 35 से ज्यादा मुकदमे जो है आरोपी पर दर्ज हैं और इसमें कई सनसनीखेज मामले गोरखपुर में दर्ज हैं और लखनऊ के हजरतगंज थाने में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ तक कि बताया जा रहा था कि एक बार 2005 के दौरान जब संत कबीर नगर में एक हत्या हुई थी जिसका नाम जीत नारायण बताया जा रहा था, और दरअसल वो हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि आरोपी विनोद उपाध्याय को जेल के अंदर जीत नारायण ने थप्पड़ मार दी थी। उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए जैसे ही आरोपी विनोद उपाध्याय जेल से बाहर निकला, जीत नारायण की हत्या कर दी थी। जी अमित, देखिए अगर जिले की बात की जाए तो टॉप 10 अपराधियों में इसका नाम आता था और पूरे प्रदेश में जो 61 अपराधियों की लिस्ट है उसमें भी ये शामिल था। पुलिस जानती थी कि इसे पकड़ना, इसे ढेर करना कितना जरूरी है, इसीलिए 50,000 की जो इनाम राशि थी उसे थोड़े समय पहले ही बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था और उसके बाद आज बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि गोरखपुर के एक हिंदू वाहिनी के नेता तेजस्वी सिंह, उनको इसने अगवा कर लिया था, किडनैप करके पिटने का आरोप था और उसके बाद विनोद ने उसे छोड़ दिया था। रेलवे एफसीआई के ठेके हासिल करता था, अपने नाम को वो हासिल करता था। यहाँ तक कि विनोद उपाध्याय ने 2007 में बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और 2007 में ही लखनऊ के हजरतगंज थाने में हत्या का
प्रयास का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज था। यही नहीं, अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर से लेकर पूर्वांचल के उन तमाम इलाकों में वो लगातार अपनी गैंग चलाता था और वो उसकी कोशिश थी कि डरा धमका कर किसी की भी वो करता तो किसी की हत्या करने की सफारी ले लेता था। गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ में कई सनसनीखेज हत्या के वारदातों को ये अंजाम दे चुका था। देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये एसटीएफ की जो टीम है डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में उनके साथ उस टीम के साथ इसका मुठभेड़ हुआ है। वो भी विनोद उपाध्याय ने पहले फायरिंग की पुलिस की टीम पर, एसटीएफ की टीम पर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में बिल्कुल अहमद, लेकिन इसे पकड़ने के लिए बकायदा अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया था और इसी में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।